और से ये बड़ी खबर है जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी दरअसल प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसी दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए अक्षय कांति बम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाँ, मैं बलि का बकरा हूं, जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी चर्चित नहीं हुआ। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम जो कि चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया और खुद के लिए कहा कि हाँ, मैं बलि का बकरा हूं। गवाह है जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी चर्चित नहीं हुआ, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और अखबार वाले छापते हैं कि अक्षय बम को बलि का बकरा बना दिया, तो मैं कहना चाहता हूं हाँ, मैं बलि का बकरा हूं, क्योंकि मेरी जनता को खुश करने के लिए अगर मेरे गले की बलि दे रहे हो तो कोई गलत नहीं है, यह बंदा बलि का बकरा है। तो ये अक्षय कांति बम इंदौर से प्रत्याशी है, शंकर लालवानी के सामने इनका मुकाबला है। हालांकि एक बार और सुनिए, क्योंकि हर जगह से इसी तरह की जो है विपक्ष की ओर से निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों को बलि का बकरा बनाया गया है, लेकिन अब उसे लेकर अक्षय कांति क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार फिर से सुनिए। इतिहास गवाह है जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी चर्चित नहीं हुआ, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और अखबार वाले छापते हैं कि अक्षय बम को बलि का बकरा बना दिया, तो मैं कहना चाहता हूं हाँ, मैं बलि का बकरा हूं, क्योंकि मेरी जनता को खुश करने के लिए अगर मेरे गले की बलि दे रहे हो तो कोई गलत नहीं है, यह बंदा बलि का बकरा है। तो देखिए, अक्षय कांति बम जो कि प्रत्याशी हैं इंदौर सीट से, शंकर लालवानी के सामने उनका मुकाबला होना है। दरअसल इस तरह की बातें उनकी ओर से इसीलिए कही गई क्योंकि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की बातें जब इंतज़ार किया जा रहा था बीजेपी की सूची आने के बाद कि आखिर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगी, कई सीनियर लीडर्स ने उस समय इनकार कर दिया था चुनाव लड़ने से, तब बीजेपी की ओर से लगातार निशाने साधे जा रहे थे कि कांग्रेस ने अब प्रत्याशियों को बलि का बकरा बनाया है। तो उसी बात का जिक्र अक्षय कांति कर रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी जनता को खुश करने के लिए मुझे बलि का बकरा भी बनना पड़ता है तो हाँ, मैं बलि का बकरा हूँ। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ अखिलेश सैन इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं इंदौर से। अखिलेश, बलि के बकरे को लेकर काफी सियासत मध्य प्रदेश में हुई है और ये मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रही बल्कि छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशियों को लेकर इस तरह की बयानबाजी वहां पर बीजेपी की ओर से की गई थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के किसी प्रत्याशी की ओर से इस बात को भरी सभा में कहा गया। हालांकि अक्षय कांति बम ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं बलि का बकरा हूं, लेकिन अगर मेरी जनता को खुश करने के लिए मैं बलि का बकरा बनता हूं तो मुझे वो भी मंजूर है। बिल्कुल जया, चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में जो बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है और इसी को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी है वो आमने सामने है। और जिस प्रकार से जो कांग्रेस ने जो प्रत्याशियों का चयन किया था और उसमें कहीं ना कहीं पर जो देरी हुई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर जो आक्रामक तरीके से बयानबाजी कर रही थी। और उन्होंने साफ तौर पर जो बीजेपी का जो शहर अध्यक्ष है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी एक पोस्ट की थी जिसमें कहा गया था कि अगर किसी को अगर कांग्रेस की टिकट चाहिए तो वो राजवाड़ा पर टंगी हुई है और उसे कोई जो व्यक्ति जो इच्छुक हो वो ले जा सकता है। तो इस तरह के जो तर्क है और जो बयानबाजी है वो बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। और इसी को लेकर जो विधानसभा 5 में जो राजा कोठारी है जो मंडल अध्यक्ष है उन्होंने एक पोस्टर जारी किया था और पोस्टर जारी करने के साथ ही उसमें अक्षय कांति बम की फ़ोटो लगाई गई थी जो कि इंदौर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी है और उन्हें बलि का बकरा इस पोस्टर में बताया गया था। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो सियासी हलचल है और उसके साथ ही जो बयानबाजी उसके बाद से तेज़ी से शुरू हो गई थी। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं पर जो अक्षय कांति बम है कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने अपने कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भरी सभा में कहा कि अगर उन्हें बलि का बकरा अगर बनाया जाता है और जो इंदौर की जो जनता है और उनके हक के लिए अगर उन्हें
लड़ने के लिए बलि का बकरा कहा जाता है तो वो बलि का बकरा बनने के लिए तैयार है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो लोकसभा का चुनाव है और उसको लेकर कहीं ना कहीं पर अब जो बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 13 मई को इंदौर में चुनाव होने हैं और उसके साथ ही कल से यानी कि अब जो प्रचार प्रसार है उसका जो दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कई जो बयान है वो अब इंदौर में देखने को मिलेंगे क्योंकि जो अक्षय कांति बम है अभी नया चेहरा है और उसके साथ ही जो शंकर लालवानी है बिल्कुल। और देखिए सीट पर मुकाबला भी कड़ा है एक तरह से। अखिलेश देखा जाए तो चुनौती शंकर लालवानी जरूर अक्षय कांति बम को देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है अक्षय कांति बम के सामने बीजेपी के एक बड़े चेहरे को हराना। शंकर लालवानी जिन्होंने इंदौर सीट से एक रिकॉर्ड 2019 के चुनाव में अपने नाम किया उन्हें हराना अक्षय कांति बम, और कांग्रेस के सामने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाना वाकई में बड़ी चुनौती है। फिलहाल शुक्रिया आपका अखिलेश जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राहुल।